आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसे हम कहते हैं रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड। रिकोर्स का मतलब क्या है? रिकोर्स का मतलब है एन अदर वे, दूसरा रास्ता, अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, विच मीन्स अगर जो पार्टीज हैं, पार्टीज में से कोई एक पार्टी या दोनों ही पार्टी इफ नॉट सैटिस्फाइड विथ द अवार्ड गिवन बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जो भी अवार्ड दिया है अगर उससे पार्टीज सैटिस्फाई नहीं है तो क्या दूसरा रास्ता है जिसे वो अपना सकते हैं? व्हाट इज द सेकंड वे विच दे मे अप्रोच? तो दूसरा रास्ता क्या है उस आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट में? उसे ही हम कहते हैं रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड। नाउ व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड इफ पार्टीज आर नॉट सैटिस्फाइड विथ द अवार्ड गिवन बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल? तो पार्टीज किन ग्राउंड्स के बेसिस पर उस आर्बिट्रल अवार्ड के एनफोर्सिबिलिटी को, उस अवार्ड के एनफोर्सिबिलिटी को चैलेंज कर सकती हैं? किन ग्राउंड्स के बेसिस पर उस आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करा सकती हैं? राइट, सेक्शन 34 ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बात करता है और इसे हम रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड भी कहते हैं, तो दोनों बातें सेम है। तो अगर आपसे पूछता है एग्जाम में व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड और व्हाट डू यू मीन बाय रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, तो इन दोनों का मतलब सेम है और आपको सेक्शन 34 रेफर करना होगा। यू हैव टू रेफर सेक्शन 34 ऑफ योर एक्ट। तो आइए समझते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड और फॉर रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड पार्टीज हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सच अवार्ड इन अकॉर्डेंस विथ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। यानी सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 में कह रहा है अगर पार्टीज आर्बिट्रल अवार्ड से खुश नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो उन्हें एक एप्लीकेशन देना होगा, एक एप्लीकेशन देना होगा फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड इन अकॉर्डेंस विथ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, यानी सेक्शन 34 के सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 को ध्यान में रखते हुए पार्टीज को
एप्लीकेशन देना होगा फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, राइट। दूसरा क्या है, एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी सेट असाइड बाय कोर्ट, तो दे हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, और उस आर्बिट्रल अवार्ड को कोर्ट सेट असाइड कर सकती है यदि, तो यहां लिखा है कोर्ट में सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड इफ ए पार्टी मेकिंग एप्लीकेशन स्टेबलाइजेस सक्सेसफुली दैट। जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो चेंज किए गए हैं। मैंने कुछ वर्ड्स को सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। और जब आप सेक्शन 34 को देखोगे तो ये अपने आप में एक वॉइडर सेक्शन है, और हमें किन किन पॉइंट्स को कवर करना है उन्हीं सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हो तो ये अपने आप में सफिशिएंट है और ये अपने आप में कंप्लीट है, राइट। आप अगर चाहते हो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में लिखना तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ध्यान देना है कि किस तरह से बेयर एक्ट को समझें और उसे अपने वर्ड्स में सिंप्लीफाई करके लिखा जाए, राइट। तो वही कोशिश है। तो देखो सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए पार्टीज को एप्लीकेशन देना है। सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 34 को ध्यान में रखते हुए राइट। तो वंस एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड इन द कोर्ट, तो कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर देगा यदि पार्टीज सक्सेसफुली इन बातों को स्टैब्लिश कर देती हैं। पहला, पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी, जिस समय आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट किया गया था पार्टीज इनकैपेबल थे उस अवार्ड को रिसीव करने में, देयर वॉज इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी टू रिसीव दैट अवार्ड। दूसरा, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड अंडर द लॉ, पार्टी failed to fulfill any indications thereon। दूसरा कहता है कि जो arbitration agreement था वही valid नहीं था, या किसी एक party ने जो indication था उस particular arbitration agreement में, जो instruction था उसे follow नहीं किया था। तो दूसरा ये पॉइंट। तीसरा, पार्टी मेकिंग एप्लीकेशन वॉज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और रिगार्डिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स और ही वॉज अनएबल टू प्रेजेंट हिज केस। जिस पार्टी ने एप्लीकेशन दिया है फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, इस बेसिस पर उस पार्टी ने अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन दिया है कि उसे रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कोई नोटिस नहीं मिला था, या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के
रिस्पेक्ट में उसे कोई नोटिस नहीं था और ही वॉज अनएबल टू प्रेजेंट हिज केस, वो अपने केस को प्रेजेंट करने में या उसने अपने केस को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया था। तो ये भी एक बेसिस है। अगर जिस पार्टी ने एप्लीकेशन दिया है फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, वो ये कह देता है या वो ये इस्टेब्लिश करता है कि जब आर्बिट्रेटर्स का अपॉइंटमेंट हुआ तो दूसरे पार्टी ने उसे कोई नोटिस नहीं दिया, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के रिगार्ड में उसे कोई फैक्ट नहीं पता था और ही वॉज अनएबल टू प्रेजेंट हिज केस, राइट। फोर्थ पॉइंट, आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांटेड नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट सबमिटेड बिफोर पार्टीज और इट कंटेन्स डिसीजन और मैटर्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। जिस आर्बिट्रल अवार्ड को ग्रांट किया गया है वो उस डिस्प्यूट पर दिया गया है जो डिस्प्यूट था ही नहीं, या जिस डिस्प्यूट पर आर्बिट्रल अवार्ड देना चाहिए था उस डिस्प्यूट पर आर्बिट्रल अवार्ड नहीं दिया गया है। उन मैटर्स पर डिसीजन दिया गया है जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन है, जिसे पार्टी ने सबमिट ही नहीं किया था अपने आर्बिट्रेशन क्लॉज में। तो ये भी एक फैक्ट है। डिसीजन विच वॉज गिवन बाई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन, या आर्बिट्रल अवार्ड इज गिवन ऑन द डिस्प्यूट विच इज नॉट सबमिटेड बाई द पार्टीज। जिस डिस्प्यूट पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अवार्ड देना चाहिए था उस डिस्प्यूट पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड नहीं दिया है, ये भी एक फैक्ट है। और पांचवा, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कॉम्पोजिशन था वो एज पर अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज उसके अकॉर्डिंग नहीं था। द कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, राइट। तो ये कुछ क्या है, ग्राउंड्स हैं, जिन ग्राउंड्स को अगर जिस पर्टिकुलर पार्टी ने एप्लीकेशन सबमिट किया है फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, अगर इन ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड को या एक से अधिक ग्राउंड को इस्टेब्लिश करने में वो पार्टी सक्सेस हो जाती है तो वो आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करा सकती है। पहला क्या था, पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी। दूसरा, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड और अदर पार्टी फेल्ड टू फुलफिल एनी इंडिकेशन एनी इंस्ट्रक्शन। पार्टी मेकिंग एप्लीकेशन वॉज नॉट गिवन प्रायर नोटिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और रिगार्डिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और ही वॉज अनएबल टू प्रेजेंट हिज केस। आर्बिट्रल अवार्ड विच वॉज नॉट गिवन ऑन द डिस्प्यूट विच वॉज सबमिटेड बाई द पार्टीज। डिसीजन गिवन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन। और लास्ट कहता है, कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, राइट। तो ये तो वो ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर पार्टी जो है एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट में, और इन ग्राउंड्स को अगर सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर देती है तो आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकती है। अब देखो, ए में कितने ग्राउंड्स हैं, 5 ग्राउंड्स हैं, 3, 4, 5। बी, इफ कोर्ट फाइंड्स दैट, यदि कोर्ट को ऐसा मालूम पड़ता है कि जो
subject matter of dispute tha is not capable of settlement by arbitration. If court finds that, यदि court को ऐसा लगता है या ऐसा मालूम पड़ता है कि जो subject matter है dispute का उसे arbitration के तहत settle नहीं किया जा सकता है, और दूसरा arbitral award जो दिया गया है वो public policy के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के वॉयलेशन में है, तो ऑन दिस टू बेसिस कोर्ट हैविंग द डिस्क्रिशनरी पावर टू सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड. व्हाट आर दीज टू ग्राउंड्स? पहला, इफ कोर्ट फाइंड्स दैट, पहला, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन, और दूसरा, arbitral award is in conflict of public policy. अब explanation one देख लो, ये आपके लिए important है. कहता है कि अगर आपको doubt है कि जो arbitral award grant किया गया है arbitral tribunal के द्वारा, जो आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट किया गया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है या नहीं है, इसे लेकर के इफ यू हैविंग एनी डाउट, तो आप क्या कंफर्म करोगे? पहला, मेकिंग ऑफ अवार्ड वाज इंड्यूस्ड और अफेक्टेड बाय फ्रॉड. जो अवार्ड दिया गया है वो किसी के इन्फ्लुएंस में दिया गया है, किसी के प्रभाव में आकर के दिया गया है, या फ्रॉड किया गया है अवार्ड देने में, और करप्शन और वाज इन वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 75 और सेक्शन 81. अवार्ड जो दिया गया है वो किसी के प्रभाव में आकर के, फ्रॉड करके, या करप्शन करके, या सेक्शन 75 और सेक्शन 81 के वॉयलेशन में दिया गया है. इफ इट इज कन्फर्म्ड, तो यानी जो अवार्ड दिया गया है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, एंड यू मे सबमिट एन एप्लीकेशन, यू मे स्टेट दिस थिंग इन द कोर्ट, राइट. दूसरा कह रहा है, इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन विथ फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ. भारतीय कानून के फंडामेंटल पॉलिसी के अगेंस्ट में है आर्बिट्रल अवार्ड. या लास्ट कहता है, इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद मोस्ट बेसिक नोशंस ऑफ मोरालिटी एंड जस्टिस. मोरालिटी एंड जस्टिस के अगेंस्ट है आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन वन ये क्लियर करता है कि अगर आपको डाउट है या कोर्ट को ये डाउट है कि आर्बिट्रल अवार्ड जो दिया गया है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो कोर्ट अपने इस डाउट को क्लियर कर सकती है और एक्सप्लेनेशन वन का रेफरेंस ले सकती है, राइट. चलिए अब क्या कहता है, अब आप 2A देखोगे अपने बेयर एक्ट में. 2A क्या कहता है? An arbitral award arising out of arbitration other than international commercial arbitration may also be set aside by court if court finds that award is vitiated by patent illegality appearing on face of award. कह रहा है, international commercial arbitration को छोड़ करके, या इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड मिला है उसे छोड़ करके, अगर जितने अदर आर्बिट्रेशंस हैं उनमें कोई अवार्ड मिला है पार्टीज को, तो उन्हें पार्टीज सेट असाइड कर सकती है. इस ग्राउंड पर
अगर कोर्ट को ये पता चलता है कि क्या है, देखने से ही पता चल रहा है कि जो अवार्ड दिया गया है वो इल्लीगल बेसिस पर दिया गया है, वो वैध नहीं है, इट इज इल्लीगल, राइट। तो आर्बिट्रल अवार्ड अराइजिंग आउट ऑफ आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मे ऑल्सो बी सेट असाइड बाय द कोर्ट इफ इट अपीयर्स, आप ऐसे लिखोगे, इफ इट अपीयर्स इल्लीगल ऑन द फेस ऑफ अवार्ड। अवार्ड को देखते ही पता चल रहा है कि ये तो इल्लीगल बेसिस पर दिया गया है। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को छोड़ करके अदर जितने भी आर्बिट्रेशन हैं उनमें से अगर कोई एक आर्बिट्रेशन का सहारा लिया गया है पार्टीज के द्वारा और अवार्ड मिला है तो उसके केसेस में ये बात किया जा रहा है, राइट। तीसरा, 2A के बाद 3 सबसेक्शन 3 An application for setting aside arbitral award may not be made after expiry of 3 months. देखो, जिस दिन arbitral award grant किया गया उस दिन से within 3 months अगर party को कोई objection है regarding arbitral award या party arbitral award को set aside करना चाहती है तो इसी पर्टिकुलर एक्ट के यानी सेक्शन 34 के सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 को ध्यान में रखते हुए पार्टी एप्लीकेशन सबमिट कर सकती है बिफोर द कोर्ट फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर, यानी जिस डेट पर आर्बिट्रल अवार्ड मिला है उस डेट से विद इन 3 months एप्लीकेशन देना होगा for setting aside arbitral award. और यदि कोर्ट को लगता है कि reasonable grounds हैं इसके इस पार्टी के application को entertain करने के लिए but there are some minor errors, तो 30 दिनों का extra time दे सकती है कोर्ट उन गलतियों को सुधारने के लिए, 30 days. इसके बाद आपका limitation period ख़त्म, you will not get any chance to file an application before the court for recourse against arbitral award. Am I clear? चलिए, अब एक केस है हमारे पास, अब देखो एक और पॉइंट है, सबसेक्शन फोर क्या कहता है कि जो पार्टी आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करना चाह रही है उसे ऑपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व करना है रिगार्डिंग दिस, और अगर उसने नोटिस सर्व कर दिया है तो जिस दिन ऑपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व किया गया बाय द पार्टी मेकिंग एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड उस नोटिस पीरियड के दिन से विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर कोर्ट बाउंड है इस मैटर को डिस्पोज करने के लिए। एक बार फिर समझो, सबसेक्शन 4 कहता है, देखो जो पार्टी एप्लीकेशन सबमिट की है बिफोर द कोर्ट फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड इस पार्टी को अपोजिट पार्टी को नोटिस देना होता है कि देखो मैंने आर्बिट्रल अवार्ड को इन ग्राउंड्स के बेसिस पर चैलेंज किया है और मैं चाहता हूँ आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दिया जाए, इसके एनफोर्सिबिलिटी को खत्म कर दिया जाए। तो इस पार्टी को इसे क्या करना है, नोटिस देना है और ये फैक्ट इसके नॉलेज में लाना है। जिस दिन इस ऑपोजिट पार्टी को नोटिस मिला उस पर्टिकुलर डेट से 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट बाउंड है इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, यानी अपना फैसला सुनाने के लिए, राइट। तो ये है ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड और रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड। अब एक केस है आपके बेरक में भी है, मेसर्स हिमालय कंस्ट्रक्शन
company versus executive engineer, irrigation division, Jammu and Kashmir. Messrs. Himalayan Construction Company versus executive engineer, irrigation division, Jammu and Kashmir. इसमें कहा गया, the award would not be liable to be set aside on ground that arbitrator had retired when he passed arbitral award. इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि arbitral award को केवल इस बेसिस पर सेट असाइड नहीं किया जा सकता है कि जिस समय जिस दिन आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया उस दिन तक उस समय तक आर्बिट्रेटर रिटायर्ड हो चुका था. राइट. दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस मैश्यूर्स एकॉम. हमने इस केस को डिस्कस किया है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स का सिग्नेचर हुआ है और कुछ आर्बिट्रेटर्स का सिग्नेचर छूट गया है तो ये अपने आप में आर्बिट्रल अवार्ड को इनवैलिडेट नहीं करेगा. राइट. तो जिन जिन पॉइंट्स को जिन जिन सब सेक्शंस को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा. कोई डाउट अब आपके मन में नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैंने पूरे एफर्ट्स के साथ ईजिएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करी है. अगर मेरे वीडियोस आपको किसी मैनर में हेल्पफुल साबित होते हैं या आपको मेरे वीडियोस किसी मैनर में दूसरों से अलग लगते हैं तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.